नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा जस्ट ऑटो से आज वीडियो बनाने के लिए वापस आया हूं मैं कि कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक हम कैसे पहुंचाएं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं ईसीएम रिपेयरिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर आप कैसे सिखाते हो, आपके अंदर ऐसा क्या खासियत है, आप ऐसा जस्ट ऑटो में ऐसी क्या चीजें हैं जो बेहतरीन है दूसरों से। तो मैंने कहा आज एक सब्जेक्ट लेते हैं, ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग, या हमारा जो कोर्स है उसमें ईसीएम भी हो गया, अपना की का हो गया, ओडोमीटर हो गया, स्कैनिंग डायग्नोस प्रोग्रामिंग, ये सारा हो गया। तो ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो हम किस तरह से सिखाते हैं, क्या प्रोसेस है, हमारे यहाँ का रिजल्ट अच्छा क्यों है, क्या बेहतर चीजें हम लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैंने कहा कि एक छोटा सा विजिट केवल अपन ईसीएम रूम, जो हमारे 3 रूम है हम वहां तक ही जाएंगे। कंपनी में करीब 9 क्लासरूम बने हुए हैं, हमारे यहाँ हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्पेशल क्लासरूम है। ईसीएम का क्लासरूम आप देखेंगे तो ईसीएम का स्पेशल क्लासरूम है 2। पहला क्लासरूम जहां बंदा हार्डवेयर सीखता है, हार्डवेयर में क्या क्या सीखेगा, वो आपका पूरा ईसीएम बोर्ड कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनपे को कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे फॉल्ट ढूंढा जाता है, कैसे आईसी कंपोनेंट चेंज किए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, किस आईसी का क्या काम है, वो सारा हार्डवेयर में होता है। जब आप सॉफ्टवेयर में आते हैं तो कई तरह के सॉफ्टवेयर चलाने सीखते हैं, ईसीएम को रीडरेट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मीटर को से रिलेटेड काम करते हैं, और भी जितनी भी चीजें हैं गाड़ी से रिलेटेड, वो सारी चीजें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। स्कैनिंग के अंदर अपन ले लें तो स्कैनिंग के अंदर भी हमारे पास कम से कम सारी वेरायटी, सारी कंपनियों के स्कैनर्स अवेलेबल हैं। हम आपको सारे स्कैनर्स पे काम कराते हैं, क्योंकि किस स्कैनर में क्या चीज है वो आपको पता चले। हर एक स्कैनर अपने आप में परफेक्ट नहीं है, पर हम सारे स्कैनर पे हम आपको काम करवाते हैं। और हमारे पास कम से कम इनहाउस 9 कारें हैं प्रैक्टिकल के लिए। बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी नहीं, क्योंकि वो हर एक के पास हर वक्त नहीं आती। महिंद्रा, मारुति, हुंडई, आपका फोर्ड, टोयोटा, वॉक्सवैगन, ये सभी ब्रांड की कारें हमारे पास हैं जिसपे आप प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा, हमारा एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा वर्कशॉप बना हुआ है जहां पे हर बार गाड़ी आती है, जहां बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज भी आती है। आप मेरे पुराने वीडियो में देखोगे तो कभी कभी हम वीडियो बना देते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम आती है प्रीमियम कार की तो वो वीडियो बना के भी हम आपको देते हैं। तो हम लोग सारी चीजों की फैसिलिटी देते हैं। हम एक ही रूम में ईसीएम, टू व्हीलर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब नहीं चलाते। हर एक का अपना अपना क्लासरूम है और सर एक के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी का मतलब वो फैकल्टी जिसको डीपली नॉलेज हो, क्योंकि हम बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी हायर करते हैं। उसके लिए हमें पे भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट नहीं है वो तो आ जाएगा, पर जो एक्सपर्ट है वो घर बैठ के भी 50,000 से 70,000 रुपया आराम से कमा सकता है अपना काम चालू करके। तो उनको उससे ज्यादा पैसा देंगे तब हमारे पास आएंगे। तो उस तरह के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आपको ईसीएम के बारे में पूछे गए हर सवाल का जवाब देते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा विजिट कराऊंगा, 2 क्लासरूम, पहले ईसीएम हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, उसके बाद एक्सपर्ट ट्रेनिंग, एक और रूम बना हुआ है जहां हमारे पास मार्केट के ईसीएम भी आते हैं और वहां लड़के हमारे जेमेट पे काम करते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको साथ साथ में एक जेमेट का रूम भी दिखाऊंगा कि हमारे पास कितने ईसीएम है, कितने सेट पड़े हैं और हम किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। बेसमेंट पे हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अपन सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहां हमारे क्लासरूम से बेसमेंट के अंदर हमारा पूरा ये अपना जेमेट का भी सेटअप है। आइए, आप यहाँ से देखेंगे कि सारे क्लासरूम अलग है, 1, 2, 3, इधर 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अलग अलग क्लासरूम है, केवल 2 क्लासरूम में चल रहे हैं। आइए, क्लासरूम नंबर 1 ईसीएम हार्डवेयर। ये एसएमडी कंपोनेंट में 3 टर्मिनल में हमारे जो ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट, डायोड होते हैं वो सेम होते हैं। उनको कैसे टेस्ट करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो ये क्लासरूम है हमारा। और स्पेस रीजन केवल हार्डवेयर वाले ही इस क्लासरूम में बैठते हैं और सारी सीटिंग यही करते हैं। दोपहर तक सारी क्लासेस चलती है, फिर बाद में प्रैक्टिकल कंटिन्यू चलता रहता है। ईसीएम प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग क्लासरूम है। अभी जैसे आज की का काम चल रहा है तो ये की कंटिन्यू चल रही है, 1 by 1 सबको हम की सिखाते हैं और सबको की देते भी हैं। इधर हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग टूल है, के स्केट है, KTM, आपका अलग अलग टूल, FC 200, काफ़ी टूल है हमारे पास जिसके ऊपर हम सारा प्रैक्टिकल कराते हैं। और बहुत सारे टूल और सेट पड़े हैं हमारे पास,
जिसमें सभी लोग काम करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की फैसिलिटी है क्लासरूम, सभी क्लासरूम में अपन नहीं जाएंगे। अब अपन सीधा चलेंगे वापस ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर ECM रिपेयर के लिए मार्केट से भी आते हैं और एक्सपर्ट ट्रेनिंग वहाँ होती है। आइए, अब अपन ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और इस साइड में है हमारा ECM रिपेयर। आइए, ये हमारा ECM रूम है। अब इस ECM रूम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या है। देखिए, इतने ECM हमारे पास रेडी टू मूव रहते हैं। ये पूरा भरा हुआ है ECM से, सारी चीजें हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी चीज की कमी ना मिले। इसके बाद मैं आता हूँ, हर्षद भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जैसे आज कोई ECM रिपेयरिंग में आया हुआ है, ये ट्रक का है, कमिंस का है। इसका इसीलिए इसमें इग्निशन ऑन होने के बाद खुद भी चेकलाइट मेनली खुद भी जनरेट नहीं हो रहा है, इसके लिए रिपेयरिंग में आया है, तो इस पे काम चल रहा है। और ये ऊपर सारे पड़े हैं आपके मीटर, ये सब हैवी व्हीकल के हैं, ट्रकों के हैं, ये सारे हैवी व्हीकल के ECM हैं और प्रीमियम गाड़ियों के ECM हैं। तो ये हमारा रूम है ECM रूम, जहाँ पर हम लोगों के पास इतने सारे ECM हैं। सर, इतने ECM कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये हमारा एक्सपर्ट, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको और भी कुछ प्रैक्टिस करना होता है तो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। और ये जेमेट खास करके, क्योंकि जेमेट बहुत इम्पोर्टेंट टूल हो गए हैं सबके लिए, तो हम जेमेट पे खास करके काम करवा रहे हैं। ये सभी लोग इस पे काम सीख रहे हैं। तो ये एक स्पेशल ट्रेनिंग रूम होता है जहाँ जो सब लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और कंप्लीट होकर जाते हैं। ECM देख लिए, अब मैं आपको जेमेट का हमारा एक रिसर्च रूम है वहाँ पे लेके जाता हूँ। उसके लिए हमें बेसमेंट में चलना पड़ेगा। आइए, अब हम आए हैं बेसमेंट में और ये है हमारा ECM का एक और रूम जहाँ बहुत सारे सेट पड़े हैं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे ECM के सेट हैं, अभी हम तैयार कर रहे हैं, और भी बहुत सारे पड़े हैं। आप देखेंगे हर एक के ECM, हर एक के मीटर, इमो के सेट। ये जेमेंट के ऊपर हम कंटिन्यू टेस्टिंग करते रहते हैं। देखिए, अब तो हमारे पास ये टू व्हीलर का राजकोट से है, तो ये राजकोट से है तो ये रिपेयरिंग के लिए भी अब कई चीजें हमारे पास आने लगी है कि टेस्टिंग करके दिखाओ। तो ये जेमेंट का टेस्टिंग रूम है और ये सारा इनके ऊपर यहाँ काम चलता रहता है। दोस्तों, चारों ओर आपको यहाँ ECM और ECM के एक्सपर्ट लोग मिलेंगे। तो ये जेमेंट का सोल्यूशन भी यही है, रिसर्च रूम है। अब आपको अगली बार मैं रिसर्च रूम में भी दिखा दूंगा कैसे काम करते हैं। तो जस्ट ऑटो के अंदर इतनी सारी चीजों की सेटअप है और इतनी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल रूम, हर जगह के लिए रूम, हर एक के लिए स्पेशल फैकल्टीज होता है, हर क्लासरूम का एक स्पेशल फैकल्टी होता है, सभी तरह के टूल, सभी तरह के स्कैनर, स्पेसियस जगह, एक ही जगह रहने की और खाने की व्यवस्था, बेहतरीन फूड, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा एक स्पेशल कॉल सेंटर भी है। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉल सेंटर और वन बाय वन सारी चीजें दिखाता जाऊंगा। कंटिन्यू वीडियो देखें, कोशिश कर रहा हूँ 3 दिन तक 4 दिन तक कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, हर एक क्लासरूम का बनाऊंगा। ECM हम टू व्हीलर से लेकर ट्रक, JCB सभी तरह के रिपेयर करते हैं और सभी तरह के सिखाते भी हैं। कोर्स अलग अलग है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कंटिन्यू देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।